हे गाइस, कैसे सब? आशा करता हूं अच्छे हो। फिर एक नए वीडियो में आप सबको बहुत-बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में क्रोम की दो सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। क्रोम तो सभी के फोन में है और ज्यादातर लोग भी क्रोम इस्तेमाल करते होंगे, तो इस क्रोम का दो खुफिया सेटिंग्स है जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। एक एग्जांपल देती हूं कि ये दो सेटिंग्स में से नंबर वन सेटिंग्स जो होंगे वो किस काम के है। अगर आप क्रोम पे किसी चीज की तलाश करती हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक सर्च कर रहा हूँ, गूगल लिख रहा हूँ, तो गाइज आप अगर किसी चीज की ऐसे सर्च करते हैं क्रोम पे तो सिंपली आ जाते हैं। और ये जो लोडिंग होने के जो टाइम है गाइज, ये टाइम आपका फास्ट हो जाएगा। और ये जो ब्राउजिंग आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन नीचे और ऊपर ले जाने में, इसका भी आप फास्ट कर सकते हो पहला जो खुफिया सेटिंग्स है वो सेटिंग्स करने के बाद। दूसरा सेटिंग्स होगा कि गाइज, क्रोम पे अगर आप कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आप शेड्यूल करके भी रख सकते हो। कि मान लो आपके फोन में इंटरनेट ज्यादा नहीं है और रात 12 बजने के बाद तो आपका इंटरनेट शुरू होगा, तब तो आप सो चुके होंगे। तो किसी चीज को आप शेड्यूल करके रखोगे क्रोम पे तो रात 12 बजने के बाद जब इंटरनेट आएगा आपका, ऑटोमेटिक डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रोम पे ले चलते हैं आपको। तो क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार पे टाइप करना है। यहाँ पे अच्छे से देखिए, मैं यहाँ पे कॉपी करके रखा, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं chrome:// flags। आप ये आपके नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं, तो इसको लिख के आप सर्च कर दीजिए। सिंपली सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे और एक सर्च बार आपको दिखाई दे रहा है। उसी सर्च बार में आपको इससे सर्च करना पड़ेगा quic। आप अच्छे से देखिए यहाँ पे quic। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपके सामने एक्सपेरिमेंटल QUIC प्रोटोकॉल आपके सामने दिख रहा है। ये डिफॉल्ट है, इसको आपको इनेबल कर देना है। और नीचे आप देख सकते हैं रीलॉन्च का बटन आ गया, आपको रीलॉन्च कर देना है। तो फिर से क्रोम रीलॉन्च होगा और ये सेटिंग आपको काम करेगा। किसी भी चीज को आप ब्राउज करते हो तो उसको फास्ट आपके सामने लोडिंग करके देगा, उसको फास्ट आपको स्क्रॉल डाउन होगा, फास्ट फास्ट चलेगा। तो आप एक बार करके देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ सच में फास्ट होता है कि नहीं। तो फास्ट होता है इसको करने में, आप एक बार डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। और सेकंड सेटिंग्स करने में आपको फिर से सर्च बार में chrome:// flags फिर से उसी पेज पे चले जाना है। तो उसी पेज पे आने के बाद नीचे जो सर्च बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड लेटर। तो यहाँ पे मैं फिलहाल लिख रहा हूँ डाउनलोड लेटर। गाइज देख सकते कि स्क्रीन पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो इनेबल डाउनलोड लेटर, उसको आपको इनेबल कर देना है, डिफॉल्ट रहेगा। और नीचे आपको शो डाउनलोड लेटर डायलॉग ऑन वाईफाई, इसको भी आपको इनेबल कर देना होगा। दोनों ऑप्शन को इनेबल करने के बाद फिर से रिलॉन्च कर दीजिए। रिलॉन्च करने के बाद आपका क्रोम जो देख सकते हैं तीनों ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे आपके सामने इनेबल किया है। और इन तीनों के करने के बाद से क्रोम पे आपको जाके आपको दिखाते हैं कि सेकंड सेटिंग्स काम कर रहे कि नहीं। यहाँ पे एपीके प्योर वेबसाइट में हम जा रहे हैं और एक एप्लीकेशन आपको शेड्यूल करके दिखाएंगे। तो सिंपली यहाँ से फेसबुक को मैं ले रहा हूँ, फेसबुक को डाउनलोड शेड्यूल करके आपको दिखाएंगे। तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक पॉपअप आ गया। हालांकि ये ऑप्शन आपको एक विंडो आपको पहले से मिलता था, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट डेट एंड टाइम ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता, इसको इनेबल करने के बाद ही ये ऑप्शन मिलता। तो गाइज सिलेक्ट टाइम पे आके यहाँ पे आप डेट टाइम सब कुछ सिलेक्ट करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे टाइम सेट कर देता हूँ 6:05 रखने देते और यहाँ पे ओके आ गया, ओके कर दिए। नीचे देख सकते यू विल सी ए नोटिफिकेशन व्हेन दिस डाउनलोड स्टार्ट एट 6 PM। और इसको चेंज भी करना चाहते हो गाइज, आप चेंज भी कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ को आप ऐसे क्रोम पे शेड्यूल करके भी रख सकते हो। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आ गया और इसको यहाँ से आप 3 डॉट पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। तो फिलहाल गाइज यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, मैं चेंज नहीं करना चाहता, वो रहने देता हूँ। और ये था आज का वीडियो और क्रोम का दो खुफिया सेटिंग्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।